फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन। तो इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जो जिसमें हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज 15.1 वो है कोडा के बुक से। तो उसमें हमने देखा है कि रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरिया किस तरह से फाइंड करना है। जो फॉर्मूले दिए हुए एज इट इज जो लगते नहीं है, उसमें कुछ ट्विस्ट है क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन हमने देखे थे। अब देखिए कि जो एक्सरसाइज 15.1 है इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसलिए एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोज में कर रहे है। तो चलो स्टार्ट करते है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आज हम देखेंगे। उसके पहले आपको बता दो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल के बटन प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड हाँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड यू नो पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ हो गई 8 सेंटीमीटर। आगे देखो, इफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड 12 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर, यानी जो साइड 12 सेंटीमीटर है उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक एल्टीट्यूड मैं यहाँ पे शो करता हूँ। मान लो दिस इज एन एल्टीट्यूड और इसकी जो लेंथ है वो दी है 6 सेंटीमीटर और हमें क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द अदर पेयर ऑफ साइड। तो जो दूसरी साइड है, ये वाली साइड, इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर एल्टीट्यूड यहां से नहीं निकलेंगी, यहां से निकल जाएंगी, ठीक है। इस वर्टेक्स से इस तरह से एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो पैरेललोग्राम का हमें यहाँ पे देखो बेस है और ये एल्टीट्यूड है, तो हमें इसका एरिया मिलेगा और इस पैरेललोग्राम का बेस 8 सेंटीमीटर लेके हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट बेस इज इक्वल टू इतना दिया है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट मतलब एल्टीट्यूड, हाइट इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये इस बेस को करस्पॉन्ड करती है, देयरफॉर वी विल फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के एरिया का जो फार्मूला है वो है बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है 12 है, मल्टीप्लाई हाइट है 6, ये हो गया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं 8 सेंटीमीटर और इस बेस के ऊपर जो हाइट आने वाली है उसको हम फाइंड करेंगे। नाउ बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड हाइट, हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना है, एरिया फाइंड किया हमने 72 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया फाइंड किया है। अब इसमें इसका फार्मूला पुट अप करेंगे, फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 72। अब हमारे पास बेट है 8 इंटू हाइट इज इक्वल टू 72, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 72 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द अदर पेयर ऑफ साइड इज 9 सेंटीमीटर, सो यू कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड, the required altitude equal to 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, got it?
नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर ए. एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैज अ बेस 6 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर. अब एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं. अब वो जो दो साइड्स है इक्वल है उसमें से एक साइड हमें 5 सेंटीमीटर दिए और उस आइसोसेलस ट्रायंगल का बेस दिया है 6 सेंटीमीटर. तो हमें कहा है कि एरिया फाइंड करो एंड यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. लेकिन यहाँ पे तो हाइट दिए नहीं है तो सबसे पहले हमें हाइट फाइंड करनी होगी. उसके लिए हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो कि दिस इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल और इस आइसोसेलस ट्रायंगल में ये दो साइड्स हम दिखा देते हैं इक्वल. तो इसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर और ये हो गया बेस, इसकी लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर. इसको हम एक नाम दे देते हैं जैसे ट्रायंगल ए बी सी. सो फर्स्ट वी विल राइट सॉल्यूशन. ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल. ओके, अब इस आइसोसेलस ट्रायंगल में कौन से दो साइड्स इक्वल है वो भी हम बता देंगे. वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और जो दूसरी साइड है बेस वो लिखेंगे यहाँ पे बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. जब भी आप क्वेश्चन से फिगर ड्रॉ करते हो तो फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है. ओके, अब मान लो कि यहाँ पे एक मैं हाइट इस तरह से ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट डी. सो हम यहाँ पे दिखाएंगे ए डी परपेंडिकुलर बी सी. ये क्यों लिखा मैंने, इसका मतलब ये हो गया कि ए डी हाइट हो गई. ठीक है, और हमें फाइंड करना है एरिया. तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें हाइट को फाइंड करना है. अब आप देखो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो इस जो साइड है उसका बाइसेक्टर भी होता है. मींस परपेंडिकुलर ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब जो नॉन इक्वल साइड होती है उसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बीसी को मतलब उस साइड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट भी करता है. मतलब ये जो एल्टीट्यूड है नॉन इक्वल साइड के ऊपर दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट नॉन इक्वल साइड. इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, बी डी इज इक्वल टू डी सी. अब देखो ये जो बी डी है और जो डी सी है वो सेम हो गए एंड बी डी इज हाफ ऑफ बी सी. सो आई राइट हियर 1/2 मल्टीप्लाई बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो बी डी हो गई 3 सेंटीमीटर और डी सी भी हो गई 3 सेंटीमीटर. अब हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करनी है हाइट. हाइट फाइंड करने के हम एक ट्रायंगल लेते हैं. सो राइट हियर इन ट्रायंगल ए डी बी. अब ए डी बी जो ट्रायंगल है इसमें ए डी बी एंगल 90 डिग्री है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. और राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ए डी मिल जाएंगे. सो कौन सा एंगल 90 डिग्री है वो लिखेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर आई विल राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम इज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर व्हिच हाइपोटेन्यूज इज ए बी. सो आई विल राइट डायरेक्टली हियर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर. अब इस ट्रायंगल का बेस है बी डी. सो आई विल राइट हियर बी डी स्क्वायर प्लस हाइट है ए डी यानी एल्टीट्यूड दैट इज ए डी स्क्वेयर. हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर. सो वैल्यू पुट अप करते हैं, ए बी की वैल्यू है 5, सो 5 स्क्वेयर इक्वल टू बी डी की वैल्यू है 3 प्लस ए डी स्क्वेयर एज इट इज. देयरफॉर यू विल गेट 25 इज इक्वल टू 9 प्लस ए डी स्क्वेयर. अब 9 को ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर यू विल गेट ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16. अब दोनों साइड का स्क्वेयर रूट लेंगे, देयरफॉर यू विल गेट हियर AD इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब देखो हाइट तो हमें मिल गई 4 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. देयरफॉर वी विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 एज इट इज इंटू बेस है BC. So I will write here BC into height है AD. So I will write here AD is equal to 1/2 into BC कितना है 6 सेंटीमीटर है और AD जो height हमने अभी निकाली that is
4 सेंटीमीटर है, सो 2 3 जा 6 एंड 3 4 जा 12, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। अ पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 52 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 36 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसको रेक्टेंगल के फॉर्म में तैयार किया है इस तरह से, ठीक है, तो इसकी लेंथ दिया आपको 52 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया 36 सेंटीमीटर। आगे देखो, इट इज कट एट अ पॉइंट एंड बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब क्या किया, इसको एक पॉइंट पे यहां से ब्रेक किया और इससे बनाया फिर सर्कल बनाया, ठीक है। अब सर्कल बनाने के बाद हमें पूछा है कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है। अब वायर की जितनी लंबाई थी जिससे स्क्वायर रेक्टेंगल बना था उतनी ही लंबाई का वायर से सर्कल बनाया, यानी इसका जितना पेरीमीटर था वही इसका सर्कमफेरेंस रहेगा, ठीक है। अब इस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल फाइंड इट्स पेरीमीटर। सो जो पहले हमें दिया वो हम लिख लेंगे, ओके। सो फर्स्ट इज गिवन लेंथ इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी विल राइट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यू पुट अप करो 2 इंटू 52 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू, अब सबसे पहले इनकी एडिशन करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 88 और यहाँ पे हो गया 176 सेंटीमीटर। अब जितना पेरीमीटर रेक्टेंगल का है उतना ही सर्कमफेरेंस रहेगा सर्कल का। देयरफॉर वी विल राइट हियर देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर यू विल गेट हियर 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 176। आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनको ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर यू विल गेट आर इज इक्वल टू 176 अपॉन 2 पाई। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 22/7 से डिवाइड करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो 22/7 का रेसिप्रोकल क्या है 7/22, सो हियर यू विल गेट 176/2 मल्टीप्लाई 7/22 दैट इज इक्वल टू। अब देखो क्या 22 से ये डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, दोनों डिवाइड करेंगे 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 11 6 जा 66, तो कितना रह गया 16 × 7/2 × 2 हो गया 4 दैट इज इक्वल टू 4 × 7 इज इक्वल टू हो गया 28 और यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर वी विल राइट क्लास आंसर, देयरफॉर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, व्हाट इट।